हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे जो नंबर या तो 10 के पास है। 10 के पास कौन कौन से नंबर हैं? 11, 12, 13, 14 और इससे कम नंबर भी हो सकते हैं जो 10 के पास हैं, 9, 8, 7। लेकिन हमें इनके स्क्वायर जनरली याद रहता है तो हमें इसके स्क्वायर करने की टेंशन नहीं रहती। लेकिन जो नंबर 10 से बड़े हैं उन्हें हमें स्क्वायर कई बार याद नहीं होते, तो हम कैसे निकालेंगे? या फिर कोई नंबर अगर 100 के पास है, जैसे 101, 102, 103, सो ऑन, 99 है, 98 है, 97 है, तो इन नंबरों का हम स्क्वायर कैसे करेंगे? या फिर कोई नंबर 1000 के पास है, 1000, 1002, ठीक है, 1003 एंड 999, 998, ऐसे नंबर जो हैं इनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इन नंबरों का स्क्वायर करना सीखेंगे जो कि 10 के पास है या 100 के पास है या 1000 के पास है। देखते हैं इन नंबरों का हम स्क्वायर कैसे करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं हम लोग इन नंबरों का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है 12। 12 का स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। 12 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम देखें कि 12 किसके पास है, 10 के पास है कि 100 के पास है। तो ये 10 के पास है, ठीक है। तो 10 से ये कितना ज़्यादा है? अगर हमें क्या करना है, 12 इंटू 12 करना है, तभी तो 12 स्क्वायर होगा। 12 इंटू 12 तो 12 स्क्वायर, तो हमको 12 को दो बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस जो है, इसका बेस कितना है, 10, क्योंकि ये 10 के पास है, हमने जो लिया है बेस 10। तो 10 से ये कितना ज़्यादा है, 12 जो है 10 से दो ज़्यादा है। ये 12 भी, ये वाला 12 भी 10 से कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है। हमारा बेस क्या है, 10। अब क्या करो, ये जो नंबर है डिफरेंस है ना, 10 से 12 दो ज़्यादा है, तो डिफरेंस हो गया 10। और इसमें इस तरह 10 और 12 में डिफरेंस दो, इस वाले 12 में भी, इस वाले 12 में दो दो का डिफरेंस हो गया 10 से, क्योंकि वो 10 से दो ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, ये हमारे आंसर का कौन सा पार्ट है, ये हमारे आंसर का राइट पार्ट कहलाएगा, ये हमारे आंसर का लेफ्ट पार्ट कहलाएगा। तो हमारे आंसर का लेफ्ट पार्ट आ गया। अब राइट पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दो को किसी भी 12 में ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इस किसी भी दो को, किसी एक दो को 12 में ऐड कर दीजिए। तो हमने सपोज करो इसमें दो को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 14। 12, 12 प्लस 2 कर दीजिए, कितना हो गया 14, और ये 4, तो हमारा आंसर हो गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया एक, आप दूसरा क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। चलिए 14 को मैंने लिखा 14 इंटू 14, चलिए डिफरेंस लिख लेते हैं, इसका बेस क्या लेंगे, 10, ठीक है। बेस क्या है, 10 है, बेस 10 है, हमें याद रखना। अच्छा देखते हैं 14 10 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये वाला ये भी 4 ज़्यादा है, क्योंकि 14 ही है। इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, एक 4 को यहाँ, किसी भी 4 को यहाँ ऐड कर दीजिए, तो 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो गया 18 और ये हो गया 16। अच्छा अब यहाँ देखिए, हमारे जो बेस है 10, 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो हमारे जो आंसर का जो लेफ्ट पार्ट है उसमें एक डिजिट होगी, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है बेस में, 10 में एक जीरो है, तो यहाँ में एक डिजिट रखनी, बाकी एक डिजिट को कैरी कर देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 रखेंगे और 1 को यहाँ कैरी कर देंगे, तो 1 इसको ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा इधर, 19। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हमारा 90 और ये 6, तो मतलब 14 का जो स्क्वायर होगा वो 19, मतलब 196 होगा। चलिए अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो एक और करके देख लेते हैं हम लोग। सी पार्ट करके देख लेते हैं हम लोग, चलिए 16 का करके देखते हैं, 16 का स्क्वायर कैसे होगा। तो 16 इंटू 16 बहुत जल्दी कर सकते हैं, प्लस 6 प्लस 6, ठीक है, यहाँ आ गया 36
और यहां कितना आ गया 20, 22। अब क्या करिए, इस 6 को यहां पे, 6 को यहां रखिए और 3 को यहां कैरी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया 16 का स्क्वायर वो हो जाएगा 25 और ये 6, तो 256। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी या ये मेथड क्लियर हो गई होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे दो डिजिट आती हैं तो एक डिजिट को हमें कैरी करना पड़ता है। वो कैसे पता चलता है, वो बेस से पता चलता है कि हमें बेस कितना है। बेस जैसे यहाँ 10 है तो हमें यहाँ पर कितनी डिजिट रखेंगे, तो ये बेस 10 है इधर पे, तो 10 में एक जीरो है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रख सकते हैं, बाकी डिजिट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा या इधर पे कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, हंसलाई हिंदी में कहते हैं, हंसलाई करना पड़ेगा, तो इधर ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं जो नंबर 10 के पास है। चलिए अब हम ऐसे नंबरों का स्क्वायर करेंगे जो नंबर 100 के पास हैं, जैसे 102। तो ये 100 जो 2 है वो 100 से, क्योंकि हमारा जो बेस होगा यहाँ पे 100, क्योंकि 100 के पास है, हमें 102 का स्क्वायर करना है। तो 102 into 102 हमने लिखा, ठीक। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये भी 2 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर का स्क्वायर करेंगे, जो डिफरेंस है 2-2 का डिफरेंस है, तो 2-2 जा 4 आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब इस 2 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एक 2 को किसी में, तो 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा 104। अब देखिए, क्योंकि हमारे जो बेस है उसमें 2 जीरो हैं, तो हमें इस आंसर के लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को के आगे एक 0 ऐड कर देंगे। हमें क्योंकि कोई डिजिट हम अपने से रख नहीं सकते कोई भी नंबर, लेकिन हम 0 जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये 0 रखने पे ये वैल्यू 4 ही रहेगी, तो 0-4 हो जाएगा। ठीक है, 0-4, 0 आगे रखने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये 0-4, इसलिए हम लोग आगे 0 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मतलब 102 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 10404, ठीक है, 10404। चलिए इसी ट्रिक को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इस केस में क्या होगा। अब हमें 104 का स्क्वायर करना है, तो बेस हमारा 100 ही रहेगा, तो 104 into 104 हमने क्या किया, 04 या हमने प्लस 4 लिखा, ये भी प्लस 4 लिखा, कितना आ गया 16, 4 जा 16, 4 को यहाँ ऐड कर दो एक 4 को, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 108। तो हमारा जो आंसर आ गया 10804 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को एक जगह और अप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, 90 हम लोग ले रहे हैं, 96 का स्क्वायर, तो 96 का स्क्वायर 96 into 96। अब देखो यहाँ पे, अब जो हमारा बेस है वो 100 ही है, लेकिन ये 100 से कम है, इस बार 100 से कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन -4, ये भी -4। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 100 है, ये 100 से कम है, 100 से कितना कम है, ये 4, इसलिए -4, और ये भी 100 से कितना कम है, -4। अब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 into -4 करेंगे, तो कितना आएगा 16 आएगा। अब इस, क्योंकि इधर माइनस है, तो किसी भी 4 को 96 से माइनस कर दो, एक 96 में से 4 को माइनस कर दो, कितना 92 बचा। तो हमारा जो स्क्वायर आएगा 96 का स्क्वायर क्या आएगा, आंसर 92 और 16, मतलब 9216। समझ आ रहा है, तो इस ट्रिक से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हम इसी ट्रिक को अप्लाई करके चाहे तो हम लोग 98 का स्क्वायर कर लेते हैं, 98 का स्क्वायर, ठीक है, 98 का स्क्वायर 98 into 98, ये 98 जो है 100 से कितना कम है, -2, 2 कम है, इसलिए -2, ठीक है, 2 जा 4, और यहाँ से एक माइनस कर दोगे 98 में से 2 माइनस करोगे तो 96 आएगा, अच्छा यहाँ पे 4 आ रहा है, 2 जा 4,
यहाँ पे कितने डिजिट रखनी है, क्योंकि 100 में, क्योंकि ये इसका बेस 100 होगा, 100 में कितने डिजिट हैं, जीरो कितने हैं, दो, इसलिए हमें यहाँ आंसर के लेफ्ट साइड में कितने नंबर रखने पड़ेंगे, दो। तो यहाँ पे एक ही नंबर है तो हम जीरो को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 98 का स्क्वायर जो आएगा 96 04। समझ गए होंगे आप। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, मान लें हम कर लेते हैं 94 का, 94 का स्क्वायर कर लेते हैं, 94 का स्क्वायर करना है। चलिए फटाक से बताइए, 94 का स्क्वायर, 94 × 94, ठीक है, कितना, -6 -6, क्योंकि दोनों 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 6 जा 36, और एक 6 को इधर माइनस कर दीजिए तो 88। तो हमारा जो आंसर आ गया 94 का स्क्वायर आएगा 88 36। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी ट्रिक है करने की, आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए और अपना आंसर प्राप्त कीजिए। तो आई होप आपको ये जो ट्रिक है, जो मैंने ट्रिक समझाई है, वो समझ में आई होगी।